राखी जितनी पुरानी है ना, जितनी पुरानी राखी है उससे भी ज्यादा पुरानी उसकी गाड़ी है। ये गाड़ी है 2008 की, व्हीकल की आरसी री रजिस्टर्ड है। 10 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली में नहीं चलती है। आदिल, ये जानना चाहेंगे राखी की ब्रांड न्यू कार के बारे में आपका क्या कहना है? वैसे जाके ब्रांड न्यू कार लिया है। कौन सी ब्रांड न्यू कार? BMW। ओ, राखी जितनी पुरानी है ना, जितनी पुरानी राखी है उससे भी ज्यादा पुरानी उसकी गाड़ी है। विद एविडेंस, विदाउट एविडेंस मैं कोई चीज बात नहीं करता। ये राखी का देख लो, जाके नंबर थोड़ा चेक कर लो। यही गाड़ी का राखी का नंबर है DL13C1249। ये गाड़ी है 2008 की। देखो मॉडल देखो, ये गाड़ी हुई है 5 ओनर, राखी है 6th ओनर। और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, व्हीकल की आरसी री रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको नॉर्मल अल्फाजों में, जैसे राखी कहते हैं ना, मैं ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस करता हूँ, इतनी तो नॉलेज मुझे आप लोगों को देनी भी चाहिए। 10 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली में नहीं चलती है। उस गाड़ी को जब ये रिन्यूअल के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं इसका रिन्यूअल नहीं होगा, ये गाड़ी को आपको स्क्रैप करना है। जो स्क्रैप गाड़ी, जो स्क्रैप करने के बगैर वो जो गाड़ी ला के राखी सावंत को तोहफा में दिए हैं, तो राखी सावंत वो गाड़ी लेने गए। तो प्लीज़ आप करेक्ट करो अपने आप को, ये मत कहो ब्रांड न्यू गाड़ी, वो एक स्क्रैप व्हीकल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगेन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। ये गाड़ी 14 साल 11 महीने पुरानी है। जितनी राखी पुरानी इतनी ही पुरानी है गाड़ी भी। यही गाड़ी है, गाड़ी के फोटोज भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये गाड़ी है राखी की। राखी की गाड़ी कितने में खरीदी थी, कब खरीदी थी, कितने रुपए में खरीदी, ये मुझे पूरा पता है। 3,25,000 रुपये में गाड़ी को खरीदा गया था, जिसका 3 लाख रुपये, नहीं सॉरी 4 लाख, एक सेकंड, 4,25,000 रुपये में गाड़ी को खरीदा गया है। 3 लाख पेमेंट हुआ है, 1,25,000 आज भी पेमेंट होना बाकी है। शाबाश जी ने उनसे टाइम लिया है 10 दिन का, और शाबाश गाड़ी क्या अच्छी भी दे सकता। मैंने तो डिटेल में डाला था वो गाड़ी का चोरी का बिजनेस करता है, चोरी को गाड़ी 3-3 करोड़ के कार के आरोप है उसके ऊपर, तो अच्छी गाड़ी तो दे भी नहीं सकता। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कुछ ऐसी ही गाड़ी देगा, बट इतना नहीं पता था कि दिल्ली की स्क्रैप व्हीकल ला के राखी सावंत को देगा, और राखी सावंत वो कार को चला के भी प्रमोट भी करेगी। तो एंड ऑफ द डे अभी लीगल पॉइंट दो बनते हैं। हम ट्रांसपोर्ट किसका लेटर डाल रहे हैं भाई जी? एज पर लॉ के हिसाब से अगर कोई गाड़ी स्क्रैप हो जाती है या यू नो उसकी आरसी बुक रिन्यू नहीं होती है तो वो गाड़ी रोड पर नहीं चलना चाहिए। तो अगर दिल्ली गवर्नमेंट से उन्होंने गाड़ी लिया है तो क्या उन्होंने वो गाड़ी को NOC के साथ में लिया है जिसको वो मुंबई रोड पे चला सकते हैं? नहीं मिलेगा, और NOC वापस भी नहीं मिलेगा, उसका कुछ भी नहीं होगा गाड़ी का, बिकॉज आप देख सकते हो इसमें लिखा है व्हीकल री रजिस्टर्ड। तो उसके हिसाब से एक्चुअली अगर देखना चाहे तो अगर वो आरसी बुक ही नहीं है और बिगर आरसी बुक की गाड़ी चल रही है दिल्ली नंबर पे, तो कहीं ना कहीं RTO गाड़ी को जब्त कर लेंगे। इसके अलावा और हम ऐसा कोई चीज़ होने भी नहीं देंगे। हमारे हम हमारे देश के जनता के साथ खड़े हैं, हम जब्त करा के भी रहेंगे गाड़ी, उसको आने दो मुंबई में।